आज हम लोग जा रहे हैं कामाख्या। तो मेरे साथ है आशीष, सचिन और कुणाल। तो आज बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो में आज बने रहिएगा और बहुत मजा आने वाला है। तो आप जादो मोड़ आइएगा, तो जादो मोड़ से राइट लेना है तो राइट जाता है रोड। तो अभी हम लोग यूपी में क्रॉस करने वाले हैं, तो आगे एक ब्रिज पड़ेगा, उसके बाद यूपी में हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ से लगभग हम लोग को अभी 20 मिनट लगेगा जाने में, तो चलते हैं। और रोड तो देख सकते हैं मक्खन एकदम, तो आप चला जाए। तो हम लोग गहमर पहुंच गए हैं, तो देख सकते हैं गहमर कुछ ऐसा दिखता है। और बाहर धूप बहुत ज्यादा है, क्या ब्रो? हाँ भाई, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग के पूरा गैंग हम लोग रेडी है। तो एंट्री गेट ये है, तो आप बीच में आइएगा तो ये बड़ा सा एंट्री गेट पड़ेगा। तो इसके अंदर तो फाइनली हम लोग टेंपल के पास पहुंच चुके हैं और पीछे कार पार्क कर दिए, तो अब चलते हैं टेंपल के अंदर। और क्या धूप लग रहा है मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा धूप लग रही है अभी। जिया है बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला। अभी जिस साइड प्रसाद मिलता है हम लोग उस साइड आ गए हैं, और देख सकते हैं पूरा लाइन से शॉप है इधर भी और इधर भी। तो अब प्रसाद लेते हैं, उसके बाद मंदिर में जल्दी चलते हैं। मंदिर का गेट क्लोज है, तो अभी थोड़ा देर हम लोग वेट कर रहे हैं, आधा घंटा लमसम लगेगा अभी, तो वेट करते हैं। और ये मोटू खेल रहा है कैमरा और गिम्बल के साथ, और ये और वहाँ पे हम लोग का हीरो ड्रोन उड़ाने वाला है। ड्रोन रेडी हो गया है यहाँ पे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सारंगधर राय हुआ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इस समय बक्सर जिले का निवासी हूँ, कमरपुर ग्राम है। और ये माँ कामाख्या है, कामाख्या माँ इनका फतेहपुर सिकरी से, यहाँ से आने से पहले ये माँ का स्थान फतेहपुर सिकरी था। माँ फतेहपुर सिकरी से कुछ दिक्कत हुई, वहाँ से ये यहाँ आई माँ कामाख्या धाम में। यहाँ ये जहाँ निवास करती हैं, इस डीह को कहते हैं शंकरा डीह। यहाँ पर बहुत दिनों तक लोग निवास किए, इनके बुनियादी जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ के बाद करहसी ग्राम में गए, और करहसी से इस समय कुछ लोग कमरपुर में, और जिन लोग जो लोग इनके साथ आए हुए थे वे लोग शंकरा डीह के नाम से ही शंकरवार वंश हुआ। और इसको मंदिर के अंदर हम लोग दर्शन कर आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और बाहर देखते हैं घूमने वाला क्या चीज़ है। भूख लगी यार, पहले खाएंगे और घूमते हैं पहले बाहर। अभी हम लोग ईंट का जूस पी रहे हैं, कैसा है टेस्ट? तो कॉफी
अभी हम लोग मस्त डोसा खाए, तो आइए अब रिव्यू लेते हैं इन दोनों से। क्या रिव्यू डोसा का थोड़ा दे रहा हूं। बहुत ही बेकार घटिया किस्म, बहुत बेकार डोसा अभी हम लोग खाए, घटिया किस्म का। अभी मोटा खा रहे हैं अंदर ही बैठ कर। हम लोग अभी जा रहे हैं कार में बैठते, बहुत धूप है, चलते हैं कार में बैठते। और कुछ व्यू ऐसा है अभी, तो आप सब नवरात्रि में आइएगा तो बहुत भीड़ लगता है और मेला भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो नवरात्र में आइएगा तो अलग ही मज़ा आएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग का फ्रेंड ऋतिक मिल गया है, तो ऋतिक कब आए? बस 10 मिनट हुआ। ठीक है भाई, तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो अब हम लोग चलते हैं, मोटा अभी भी नहीं आया है और इन दोनों का देखिए अपने में झगड़ रहा है दोनों कप से। मोटू आ गया है, मोटू से पूछते हैं टेस्ट कैसा लगा, कैसा लगा टेस्ट डोसा का? भाई बहुत ही अजीब टेस्ट था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया डोसा। तो मोटा ही बोला कि हम लोग को चलो खाने के लिए, तभी हम लोग गए थे। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। तो आज का जर्नी मज़ा आया बहुत ज़्यादा, क्या बोले? बहुत मजा आया भाई, बहुत एंजॉय किया। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय जय।